अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर ऑल फाइन, सेफ एंड हेल्दी। वेलकम टू मेमुना ज़ेरा सीक्रेट। आज का जो टॉपिक है, डोंट मिस इट। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वेरी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो स्टे ट्यून विद मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्योंकि फॉर एवर लिविंग से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन ऐड करती रहती हूं, और ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी लगती हैं मेरी वीडियोज़, तो काइंडली एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, और अपने कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे हेल्पफुल हुई है और आपने मज़ीद किस बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एलोवेरा जेल पिया, क्योंकि आज का टॉपिक है एलोवेरा जेल के ऊपर, कि फॉर एवर लिविंग का एलोवेरा जेल, तो उसके ऊपर टॉपिक है कि क्या, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एलोवेरा जेल के जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ लोग का क्या होता है कि वो अक्सर उनका ख़ुद से ही डाउट ये होता है कि चलो हम एक बॉटल लेके देखते हैं, फिर देखेंगे कि अगर इससे हमें बेनिफिट हुआ तो ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वन बॉटल इज़ नॉट इनफ। मिनिमम भी 1 month में आपको 3 bottles आपको यूज़ करनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इशूज़ जो भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है हेल्थी रहने के लिए, और वो सब आपको इन्फॉर्मेशन या आपको गाइडेंस तभी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आपका ये हर किसी का पर्सनल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आपने वीडियो देखी या कोई आप पास बाय हुए कि एलोवेरा जेल बेनिफिट है, लेकिन हर किसी की अपनी डिफरेंट बॉडी होती है और हर किसी को हम लोग डिफरेंट तरीके से ही गाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, कि आपको कितनी रिक्वायर है और आपने कितने अरसे में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ख़ुद से ही अपनी मर्ज़ी से ही आप चूज़ कर लेंगे कि आप एक बॉटल लेंगे और आप जो है आपका जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो रिकवर हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये मेडिसिन नहीं है। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक एग्जांपल से शेयर करती हूँ मैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो मेडिसिन है वो रेकमेंड करता है प्रॉपर तरीके से हमारी हेल्थ इशू के मुताबिक, जो भी हमारी हेल्थ कंडीशन होती है उसके मुताबिक क्या कहते हैं कि वो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। तो क्या हम डॉक्टर से कह देते हैं कि हम 2-3 दिन मेडिसिन खा के देखेंगे, अगर हमारा बेनिफिट हुआ, हम ठीक हो गए, तो क्या कहते हैं कि फिर हम कंटिन्यू करेंगे फुल मंथ? तो वो तो मिनिमम जो है 1 month के फर्स्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, तो उसमें तो हम आर्ग्यू नहीं करते डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है पूरी रिसर्च वर्क स्टडी के थ्रू, कि वो हमें कोई भी मेडिसिन रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ कंडीशन उस वक्त होती है, तो हमें वो फुल मंथ यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो हमें उसको उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो क्योंकि 1 या 2 दिन की बात नहीं होती कि हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं और हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ डॉक्टर ही समझता है और आपका जो हेल्थ चेकअप करके वो आपको रेकमेंड करता है। सेम उसी तरह अगर आप कोई न्यूट्रिशन बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लेके आप उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हर किसी का, क्योंकि हम लोग अक्सर एज ए FBO फॉर एवर लिविंग से रिलेटेड, हम लोग ये कि जब भी एलोवेरा जेल किसी को रेकमेंड करते हैं तो उनकी हेल्थ कंडीशन के
मुताबिक करते हैं। हर किसी की डिफरेंट बॉडी होती है और उनकी हेल्थ कंडीशन भी डिफरेंट होती है, तो डेफिनेटली हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग जो है वो एलोवेरा जेल का जो डोजेज है और कैसे लेनी है, किस तरह इसको यूज़ करना है, उसका प्रॉपर हम लोग गाइडेंस देते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि हम लोग नॉर्मली वन बॉटल लेके देखेंगे, तो यू आर डाउटेड विद दैट, तो एक बॉटल से तो बिल्कुल भी आपको वो वैसे जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके ये बेनिफिट है, तो एक बॉटल इज़ नॉट, वन बॉटल इज़ नॉट इनफ। मिनिमम भी आपको 3 बॉटल्स या फिर 9 बॉटल्स आपको लेनी है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, और आप जो है वो आपकी तभी रिक्वायर आपको गाइडेंस मिलेगी जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ कंडीशन बताएंगे पर्सनल में आके, क्योंकि ओपनली हम लोग नहीं किसी की डिस्क्लोज करते। और एक टेस्टिमोनी के लिए हम लोगों के पास बहुत से टेस्टिमोनीज हैं जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ पर्सनल में, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं और उसके मुताबिक मैं आपको एलोवेरा जेल की डोजेज बताऊंगी, क्योंकि हर बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डोजेज दी जाती हैं, लेकिन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 to 12 दी जाती है। तो उसके लिए भी आपको कैसे लेनी है, कैसे यूज़ करनी है, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा और मैं व्हाट्सअप में आपको शेयर कर दूंगी कि आपको आपके हेल्थ के इशू के मुताबिक कैसे हम ये न्यूट्रिशन अपने बॉडी को सूट करता है और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी कि फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा जेल के बारे में जो मैंने आपको शेयर किया है, ये वीडियो थोड़ी सी तो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी ऐसे के साथ कि जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो स्टिल कंफ्यूज हैं कि कैसे हम लोग इसको क्योर कर लें। सो काइंडली शेयर द वीडियो, और अगर आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे एज ऑन अ सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और ये कैसे सिस्टम हम पे वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आप पे भी वर्क करेगा, तो काइंडली मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है आप उसे चेक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी कर रहे हैं और एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी टीम को, एक ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो भी इजीली वर्क कर सकें और मेंटेन रहे आपका जो बिज़नेस, तो उसके लिए भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री मास्टर क्लास का काइंडली आप उसे चेक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपकी आज के लिए हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।